काफी बार हम सुनते हैं कि एसिड्स हमारे लिए हानिकारक होते हैं। किसी भी एसिड का बॉडी पे थोड़ा सा ड्रॉप गिरा तो भी बहुत जलन महसूस होती है। जिन लोग ने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे उनको अच्छे से पता होगा एसिड्स कितने पावरफुल होते हैं। एसिड्स के अलग अलग टाइप पे डिपेंड करता है कि वो कितने पावरफुल है। जैसे फ्रूट्स में होने वाला सिट्रिक एसिड ज्यादा पावरफुल नहीं होता है, लेकिन बहुत से एसिड्स ऐसे हैं जिनकी पावर जबरदस्त होती है। क्या आप जानते हैं ऐसा ही एक पावरफुल एसिड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है? ये एसिड बैटरी एसिड जितना स्ट्रॉन्ग है, जिससे स्टील भी मेल्ट हो सकता है। सुन के हैरानी हुई होगी ना कि इतना पावरफुल एसिड वो भी हमारे बॉडी में कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये एसिड हमारे लिए काफी जरूरी है, जिस कारण खाना डाइजेस्ट होता है, और वो पावरफुल एसिड है स्टमक एसिड। हमारे पेट में एसिड्स बनने की क्रिया हमेशा चालू ही रहती है, चाहे आप सो रहे हो या जाग रहे हो, पेट में एसिड्स बनना रुकता नहीं है, और ये एसिड के कारण ही हमारा खाना डाइजेस्ट होता है। आप सोच रहे होंगे कि स्टमक एसिड इतना पावरफुल है कि स्टील जैसे हार्ड चीज को मेल्ट कर सकता है, तो कैसे हमें कोई तकलीफ नहीं होती है? सोचिए, अगर स्टमक एसिड का पूल होगा और हम उसमें गिर गए तो स्किन पे क्या रिएक्शन होगा? हम जल जाएंगे, स्किन इन्फेक्शन होगा या फिर कोई रिएक्शन नहीं होगा। इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो से जानते हैं कि स्टमक एसिड एग्जैक्टली कितना हार्मफुल है। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के शुरुआत में मैंने कहा था कि स्टमक एसिड बैटरी एसिड जितना पावरफुल होता है, इसीलिए कहा था क्योंकि हमारे पेट के एसिड में इतनी क्षमता होती है कि कोई चीज डैमेज कर सके। अगर आप ये एसिड स्पॉन्ज में डालोगे तो वो भी जल जाएगा। स्पॉन्ज तो कुछ भी नहीं है, किसी मेटल पे स्टमक एसिड डाले तो वो भी मेल्ट होगा। स्टमक एसिड में किसी चीज को डैमेज करने की इतनी जबरदस्त क्षमता होती है। स्टमक एसिड एग्जैक्टली कितना डेंजरस है वो जानने के लिए पीएच स्केल का एग्जांपल लेते हैं। स्कूल के वक्त साइंस में सीखा होगा 0 to 14 तक पीएच स्केल होता है, जिसमें 0 to 6 के बीच कोई लिक्विड रिएक्ट करे तो वो एसिडिक होता है। नंबर 7 पे रिएक्शन दिखाई दे तो वो लिक्विड न्यूट्रल फॉर्म में होता है, और अगर किसी लिक्विड की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो वो अल्कैलिन फॉर्म होता है। इसी पीएच स्केल पे आप स्टमक एसिड का पीएच वैल्यू देखेंगे तो वो 1 to 3 के बीच में रेंज करता है। इसका मतलब हुआ कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। स्टमक एसिड पावरफुल होने की मेन वजह है कि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक एसिड का सबसे मेन कंपोनेंट है, जो किसी भी चीज को आसानी से डैमेज कर सकता है। इस बात से सवाल आता है कि इतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे बॉडी को कैसे डैमेज नहीं करता है। ये एसिड हमारे अंदर बिना कोई हानि किए रहने का मेन कारण है म्यूकस मेम्ब्रेन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे पेट के बाजू से लाइन करता है, जिस कारण हमें एसिड से कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर हमारे पेट में ये म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होता तो पेट भी डैमेज होता, क्योंकि एक दिन में कम से कम 1.5 लीटर एसिड पेट में बनता है। कभी कभार आपने महसूस किया होगा सांस लेते वक्त हमारी सांस से अजीब स्मेल आती है। जब आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एसिड बहुत ज्यादा होता है तब सांस लेते वक्त बदबू आती है। सोचिए, अगर इस एसिड की स्मेल इतनी बेकार होती है तो अगर आप पूरे एसिड से भरे पूल में गिर गए तो क्या होगा? उस पूल में जंप करने से पहले खतरनाक बदबू से बेहोश हो जाएंगे। स्टमक एसिड पूल का सिर्फ एग्जांपल है, ताकि पता चले कि स्टमक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है। इस पूल में जंप करने के बाद आपके आंखें और नाक में जलन महसूस होने लगेगी। कभी आपके आंख में नींबू का रस गया है? नींबू का रस आंख में जाने से जैसे इरिटेशन होती है, सेम वैसे ही इरिटेशन स्टमक एसिड के कारण होगी, क्योंकि हमारे पेट में बनने वाला एसिड और नींबू में होने वाला सिट्रिक एसिड दोनों की पीएच लेवल सेम होती है। अब आपको पता चला होगा कि पेट में एसिडिटी होने पे नींबू पानी क्यों पिया जाता है। नींबू पानी के एसिड से पेट में बढ़ने वाली एसिडिटी को राहत मिलती है। अब तक हमने देखा स्टमक एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, अगर आपके आईज और नोज के कॉन्टेक्ट में आ गया तो जबरदस्त जलन होती है। यही एसिड आपके स्किन के कॉन्टेक्ट में आया तो क्या होगा? अगर स्टमक एसिड आपके स्किन पे बहुत ज्यादा टाइम तक रहा तो आपकी स्किन धीरे करके निकलने लगेगी। इतनी निकलने लगेगी कि आपको 3rd degree बर्न का एहसास होने लगेगा, और अगर ये एसिड पूरी तरह आँख में गया तो आप कभी भी देख नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारे पेट और बॉडी को इस एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन होती है।
तो इस वीडियो में हमने देखा कि स्टमक एसिड कितना पावरफुल है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी हार्ड मेटल को भी आसानी से मेल्ट कर सकता है। स्टमक एसिड स्ट्रॉन्ग होने का मेन कंपोनेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो किसी भी हार्ड चीज को भी डैमेज कर सकता है। इंसान की स्किन डैमेज करना तो बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन यही पावरफुल एसिड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जरूरी भी उतना ही है। तो अगर इससे जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।